नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कोलकाता रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी। मुख्य आरोपी संजय से जेल में किए गए सवाल जवाब, तो वहीं पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई ऑफिस में हुई पूछताछ। बदलापुर यौन शोषण केस के चलते शरद पवार ने बांधी काली पट्टी, तो उद्धव बोले कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाई लेकिन हमारी आवाज दब नहीं सकती। दिल्ली में बारिश से 24 घंटे में 3 लोगों की हुई मौत। इंदौर में स्कूल की छुट्टी, तो वहीं आज 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। असम गैंग रेप के मुख्य आरोपी की डूबने से हुई मौत। पुलिस कस्टडी से भागकर तालाब में कूदा आरोपी। सुबह 3:30 बजे क्राइम सीन पर लेकर जा रही थी पुलिस। भारत आ रहे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमसुद्दीन चौधरी गिरफ्तार। बॉर्डर के करीब सिलहट में पकड़े गए। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट आज हो सकती है जारी। बैठक में 6 कैंडिडेट के नाम फाइनल। एनसी के साथ 3 सीटों पर पैंच फंसा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पीए विभव की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक और बढ़ी। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में 18 मई को हुए थे गिरफ्तार। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी। सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 3,105 रुपए महंगी हुई। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस में सीएम पद के लिए दावेदार सामने आने लगे हैं। दरअसल इस कड़ी में सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय का अधिकार वोट कांग्रेस की तरफ है और ये समुदाय कांग्रेस का आधार रहा है। बता दें, कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि हर समुदाय या हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और क्यों नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा को भी संकेत दिया और कहा कि वह राज्य में काम करना चाहती हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को ही करना होगा। शैलजा ने कहा कि उम्मीदें तो होती हैं, कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकता है। इतना विश्वास होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर कहें कि हम क्यों नहीं। हरियाणा में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों में फेरबदल करने की मांग की है। आपको बता दें, इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोरी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने चुनाव की तारीखों में बदलाव के लिए वीकेंड में 4 छुट्टियां और विश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम कारण बताया है। दरअसल वहीं इसके पीछे भाजपा का वोटिंग प्रतिशत गिरने का भी डर माना जा रहा है। भाजपा का मानना है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत गिरता है तो उन्हें नुकसान होता है। बताते चले कि चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को हरियाणा में चुनाव का ऐलान किया था। 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसमें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों में फेरबदल करने की मांग की है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके कार्यकाल से जुड़े पहले 5 सवाल किए थे, जिनका उन्होंने 10 दिन इंतजार किया, लेकिन हुड्डा कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर उन्होंने 14 सवाल किए, जिनका भी वे आज तक कोई जवाब नहीं दे सके, और ऐसे में उनका बेटा प्रदेश सरकार से हिसाब मांग रहा है। दरअसल भाजपा सरकार ने पोर्टल व ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर कांग्रेस के समय से चल रही भ्रष्टाचार की लीकेज को बंद करने का दावा किया और उन्होंने कहा कि अब बिना भ्रष्टाचार के ही लोगों के घर बैठे काम हो रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि इससे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पेट खराब हो रहा है। भ्रष्टाचार बंद होने से उन्हें ही सबसे ज्यादा पीड़ा होने लगी है और इसीलिए कहते हुए घूम रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो सबसे पहले पोर्टल बंद किए जाएंगे। सैनी ने कहा कि लेकिन प्रदेश की जनता उन्हें ऐसा करने का मौका देने वाली नहीं है। आपको बताते चले कि अनाज मंडी में भारतीय मजदूर संघ के 70वें प्रदेश स्तरीय स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे सैनी ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर इनमें लगे कर्मियों को बेरोजगार करते हुए घर बैठाने का हुड्डा का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस निगम के अंतर्गत लगे कर्मियों का रोजगार सुरक्षित करने का फैसला मंत्रिमंडल में अध्यादेश पारित कर लिया है। अब वह इन कर्मियों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर को हुड्डा को जरूर घर भेज देंगे।
वहीं चुनाव की घोषणा होने के साथ ही चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन के मामलों को लेकर सख्त हो गया है। दरअसल ताजा मामला परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल से जुड़ा हुआ है। अम्बाला के जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मंत्री असीम गोयल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है। कि बताते चले कि नोटिस में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ महिलाओं के पास बैग, घड़ियां, सूट व अन्य सामान वितरित करने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन पर मंत्री असीम के पोस्टर प्रकाशित हैं। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को ये उपहार दिए गए थे। इस मामले को आचार संहिता उल्लंघन से जोड़ते हुए मंत्री असीम गोयल को रिटर्निंग ऑफिस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल रक्षाबंधन के दिन मंत्री असीम गोयल ने निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बहुत सी महिलाएं मंत्री को राखी बांधने के लिए आई थी। इन महिलाओं को तोहफे के रूप में अन्य सामान दिया गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। तब रिटर्निंग ऑफिस ने संज्ञान लेते हुए मंत्री असीम गोयल को इस बाबत नोटिस जारी किया है। वहीं बात करें मेवात में, भाजपा की तीनों सीटों पर टिकट के लिए भागदौड़ तेज हो गई है। जिला स्तर पर फिरोजपुर, झिरका, पुनहाना व नूह से करीब 24 आवेदन टिकट के लिए आए थे। जिला स्तर के अधिकारियों ने आए इन आवेदनों को आगे कर दिया है। अब टिकट किसे मिलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन तीनों क्षेत्रों में टिकट पाने वालों में दौड़ धूप तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों की पहली सूची 27-28 में आने की उम्मीद है, और हो सकता है कि उनमें जिले की एक दो सीटों पर नामों की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि करीब 8 उम्मीदवार टिकट की लाइन में लगे हैं, लेकिन यहां पर टिकट की लाइन में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन, सुरेंद्र उर्फ पिंटू और जाहिद हुसैन के नाम सबसे प्रबल दावेदारों में बताए गए हैं। तो ये थे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।